हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। सारी थियरी आपने पढ़ ली होगी और उम्मीद करता हूँ आपको इन लेक्चर्स में आनंद जरूर आ रहा होगा। एटलीस्ट आप बोर तो नहीं हो रहे होंगे। कारण क्या है? कारण इतना है कि आप लेक्चर शुरू करते होंगे और फिनिश हो जाता होगा, इसलिए क्योंकि वो 30 मिनट्स के आसपास का है ना। तो ये बनाए ही इसीलिए हैं कि आप बहुत ज़्यादा कंटेंट को थोड़ा थोड़ा करके ग्रास्प करते रहें। तो अभी तक जितना ग्रास्प किया वो थ्योरी पार्ट था सेकेंड यूनिट का। अब हम थोड़े से क्वेश्चंस की बात कर लें। जब हम सेकेंड ऑर्डर में घुसे तो सेकेंड ऑर्डर में एक चीज़ हमें समझ में आ गई कि सर ओमेगा एन दिखता है, सर जीटा दिखता है, यही दोनों डिसाइडिंग फैक्टर रहते हैं। और मेनली डिसाइडिंग फैक्टर इज नथिंग बट द डैम्पिंग रेशियो जीटा। ओमेगा एन क्या है? वो तो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है। तो आइए इस पर बेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बिकॉज गेट एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन धूमधाम से आते हैं भैया। अच्छा, ये करने के बाद हम एंटर करेंगे इस यूनिट के महत्वपूर्ण टॉपिक, वो है एरर्स का। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एरर, लेकिन एरर कब की जाएगी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद हम एरर में एंटर करते हैं। तो फिर आ जाइए, लास्ट क्लास तक आपने देखा कि थ्योरी वाले पार्ट में बहुत सारी चीज आप लोगों ने सीख ली है ना। जो सीखा है उसे एग्जीक्यूशन करने की बारी आ गई ना लाले। ओके सर, क्वेश्चन बोलता है, देखो मैंने हमेशा सिखाया है कि यदि आप मेरे स्टूडेंट हैं तो एक बात जरूर नोट करेंगे हमेशा हमेशा जीवन में, कि क्वेश्चंस को क्या करेंगे, यू नो वेरी वेल, केयरफुली रीड करेंगे। ओके, बोला अ सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम एग्जिबिट्स 100% ओवरशूट। अच्छा, 100% ओवरशूट का मतलब क्या होता है? नेचुरल ऑसिलेशन, सस्टेंड ऑसिलेशन, ओवरशूट ही ओवरशूट, 100% मिल रहा है, दैट इज नथिंग बट द ओवरशूट। तो वो तो नेचुरल ऑसिलेशन में मिलता है। तो वो पूछा इट्स अ डैम्पिंग रेशियो इज, तो यदि आपका सिस्टम अनडैम्प्ड है या नेचुरल ऑसिलेशन प्रोवाइड कर रहा है तो जीटा की वैल्यू तो कितनी होती है भाई साहब? सर जीटा की वैल्यू होती है 0। अच्छा, 0 पे क्या होता है? सर ये इसका नेचर जो होता है वो अनडैम्प्ड होता है, और अनडैम्प्ड यदि होता है तो सर इसमें हमें क्या मिलते हैं? सस्टेंड ऑसिलेशंस मिलते हैं सर। ठीक है सर, और सस्टेंड ऑसिलेशन मिलना, नेचुरल ऑसिलेशन मिलना का ही मतलब है कि ये सिस्टम जो है इसमें जीटा की वैल्यू 0 रही होगी। अच्छा सर, क्या फॉर्मूले से दिखा सकते हो आप इसे? बिल्कुल दिखा सकते हैं, आप लोगों के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। आइए सर, हमने ओवरशूट का फॉर्मूला देखा है सर, और हमें याद भी है। उसमें क्या देखा था? मैक्सिमम पीक ओवरशूट इज नथिंग बट ई टू द पावर माइनस जीटा पाई डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर गुणा 100। अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि भाई साहब ये एमपी जो है दैट इज द 100%। अच्छा, ये 100% कब होगा? जब ये जो फैक्टर है इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू 1 होगी। तो 1 गुणा 100 इज नथिंग बट द 100%। अब देखते हैं, आइए जरा इसकी वैल्यू 1 कब होती है। अरे भाई साहब, जब जीटा इज इक्वल टू 0 रखोगे तभी इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। माइनस 0 गुणा पाई डिवाइड बाई 1 माइनस 0 स्क्वायर, एंड 1 माइनस 0 स्क्वायर और उसका रूट इज नथिंग बट दिस, ई टू द पावर 0 इज नथिंग बट द 1। तो इस फैक्टर की वैल्यू 1 होती है जीटा इक्वल टू 0 के लिए। सो जीटा इक्वल टू 0 के लिए हमें क्या मिलेगा? 100% ओवरशूट। सो हम ऑप्शन चूज करेंगे इक्वल टू 0। क्लियर है सर, मक्खन की तरह क्लियर है। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की। ये बोल रहा है कि डिटरमाइन द डैम्पिंग रेशियो। अच्छा सर, डैम्पिंग रेशियो की बात होगी, अगेन बिल्कुल होगी, 10 बार होगी, 12 बार होगी, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? ऑफ द गिवन ट्रांसफर फंक्शन, और ट्रांसफर फंक्शन दे दिया आपके सामने। अब आप लोगों ने इसको देख के जरूर एग्जीक्यूट कर लिया होगा, शाबाश। लेकिन इसमें भी हम आपके लिए कुछ दे के चले जाएंगे। जब हमने थ्योरी वाला पार्ट पढ़ा था, हमने आपको एक चीज़ सिखाई थी, यदि सिस्टम में डिफाइंड नहीं हो, किसी भी ट्रांसफर फंक्शन जो भी दिया है उसमें डिफाइंड नहीं है कि यूनिटी फीडबैक है
या पॉजिटिव फीडबैक है या नॉन न्यूटिव फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक है या नेगेटिव फीडबैक, कुछ भी नहीं मेंशन है। जैसे कि इसमें नहीं मेंशन है डिड मान द डैम्पिंग रेशियो ऑफ द गिवन ट्रांसफर फंक्शन। अब भाई साहब, इस ट्रांसफर फंक्शन को यूनिटी फीडबैक नेगेटिव, यूनिटी नेगेटिव फीडबैक से लिया गया है या नॉन यूनिटी पॉजिटिव फीडबैक से, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हमने क्या सीखा था, इफ नथिंग इज मेंशन देन बाय डिफॉल्ट दिस इज नथिंग बट द नेगेटिव फीडबैक, सबसे पहली बात, और दूसरी बात क्या, यूनिटी फीडबैक। ये तो बाय डिफॉल्ट है, ये तो हम मानते हैं। अब यहां पे जरा ट्विस्ट देखना इस पूरे क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको जी ऑफ एस दिया हुआ है और वो दिया हुआ है 4 / s² + 23s, मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं मैं, खोल दे रहा हूं, +76, ये दिया हुआ है साहब। अब उसने मेंशन नहीं किया कि ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है कि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, किया है क्या? तो आप कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि ये ओपन लूप है या CLTF है, बताइए मुझे, कैसे डिसाइड करेंगे? मान लो कि दिस इज द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, मैं बता रहा हूं कॉन्सेप्ट से सिखा रहा हूं बस, आपको मुद्दे पे आऊंगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने मान लिया दिस इज द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, और यदि ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है तो सेकेंड ऑर्डर का ट्रांसफर फंक्शन का स्टैंडर्ड इक्वेशन तो आपको पता ही है, ω(n²k) इज द गेन ओवर जनरलाइज ट्रांसफर फंक्शन s²+2ζ(ωns+ω(n²), दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। और सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का ये क्या है राजा? सर दिस इज नथिंग बट द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, बराबर सर, इतनी बात समझ में आती है हमें, गुड। तो जस्ट आपको कंपेयर करना है इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को, या बोलूं डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को, या बोलूं ये करैक्टरिस्टिक इक्वेशन है, दिस जीरो को इक्वेट कर दो तो इस इक्वेशन का इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। और यदि मैं ऐसा करता हूं तो यहां से मुझे ओमेगा एन की वैल्यू मिलती है √76। जीटा की देख लेते हैं, 2ζ(ωn)≠23, सो यहां से जीटा इज इक्वल टू, आप में से बहुत सारे ने एग्जीक्यूट करके लाया होगा, 1.28, ठीक है। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि यार जब मेंशन नहीं है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है या क्या है, तो बहुत सारे लोगों ने इसको मान लिया कि दिस इज द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। और यदि ओपन लूप ट्रांसफर, क्योंकि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन वो सोचते हैं ना कि यार ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट g(h)(s), h(s) की वैल्यू 1 है तो g(s) यानी कि दिया हुआ है डायरेक्ट g(s) के फॉर्म में दिया हुआ है s+19/s+4, ये दिया हुआ है, और आपने ऐसे मान लिया कि दिस इज द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। लास्ट में बताऊंगा कि क्या मानना है और क्यों मानना है। इफ दिस इज द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, आप सबसे पहले इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करेंगे। फार्मूला तो पता ही है आपको, g(s)/1+g(h)(s), और जैसे ही आप करते हैं तो आपका फॉर्मूला आता है s²+23s+80। तो यहां से भी आपके पास जब कंपेयर करेंगे सो ओमेगा एन की वैल्यू आई √80, और जीटा की वैल्यू जैसे ही यहां से फाइंड करेंगे ये आ जाएगी 1.31, और दोनों ऑप्शंस मैंने आपके लिए रख दी। तो क्या करना भैया, देखो जैसे कि बाय डिफॉल्ट चीजें मैंने बताई ना, इफ दिया हो या ना दिया हो, आपको दिया हो तो ठीक है, नहीं दिया हो तो नेगेटिव फीडबैक मानेंगे और यूनिटी फीडबैक मानेंगे। तीसरा पॉइंट है, यदि डायरेक्टली लिखा हो कि डिटरमाइन द डैम्पिंग रेशियो ऑफ द गिवन ट्रांसफर फंक्शन, ये वाली टर्म दी हुई है ट्रांसफर फंक्शन डायरेक्ट, मेंशन नहीं है तो कुछ भी मेंशन नहीं है तो दिया गया ट्रांसफर फंक्शन वो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, लिख लीजिए आप। इफ नथिंग इज मेंशन अबाउट द ट्रांसफर फंक्शन देन बाय डिफॉल्ट वी विल टेक या वी विल अज्यूम दैट ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम इफ नथिंग इज गिवन। ओके सर, समझ में आ गया। तो ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में मानूंगा सर? जी हाँ, तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन यदि इसे मानूंगा और मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो इसकी वैल्यू जो है मेरे पास वो आ रही है कितनी, हो सकता है शायद इधर उधर मैं कैलसी से कैलकुलेट कर लेता हूँ ताकि हम लोग गलत ना करें इसे, क्योंकि
मेमोरी बेस्ड मैंने इसको लिख दिया है, तो मैं खुद इसे एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। सो माफ कीजिएगा, ये वाली जो वैल्यू है ये है आपके पास 1.31, इनफैक्ट 1.32 समझ लीजिए इसको, इतने को। सो दिस इज नथिंग बट 1.32, इसे भी 1.32 कर देते हैं हम, और ये आएगी 1.28। ठीक है, तो हम आंसर क्या करके आएंगे इसका? सर हम आंसर करके आएंगे दिस इज द आंसर, बिकॉज दिस इज बाय डिफॉल्ट क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। अच्छा सर, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन नहीं मानना है इसका? नहीं मानना, इसीलिए मैंने लिखवा दिया दिस। सर हमने तो कहीं कहीं ऐसे क्वेश्चन देखे हैं कि जहां पे सर ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन मान लेते हैं। अब उन क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा। देखो पूरी कहानी क्या है कि गेट का पेपर सेट होता है तो एक ह्यूमन बीइंग ही करता है, बराबर ना? तो क्वेश्चन सेट करते टाइम वो लिख दिया, अब फ्रॉम द हिस्ट्री आई एम टेलिंग यू, गेट के पुराने क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करने के बाद ये डेटा आया, या कोई सी बुक में नहीं लिखा है कि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन मान लेंगे। तो क्या किसी ने लिख दिया कि द गिवन ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम इज दिस एंड दिस, और गिवन ट्रांसफर फंक्शन और दे दिया ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, लेकिन लिखा है जनरलाइज वे में और मैंने बोला कि ये करना है। तो जब किसी भी क्वेश्चन को आप परफॉर्म करोगे तो आपको अंदर से ही फील हो जाएगा आफ्टर लॉट ऑफ प्रैक्टिस दैट कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है या क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है। लेकिन इन मेजोरिटी ऑफ केसेस जब अभी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है, मेंशन कर दिया गया है डिटरमाइन द डैम्पिंग रेशियो ऑफ द गिवन ऑफ द सिस्टम हुज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन बाय दिस, ऐसा मेंशन करके दिया जाएगा, तो आप समझ जाएंगे बात को। ठीक, अच्छा कॉन्ट्राडिक्टरी टाइप की चीजें आएंगी क्या सर? मैं क्या बोला, आप प्रैक्टिस करने के बाद खुद स्वतः ही समझ जाएंगे। कॉन्ट्राडिक्टरी किसने किया? मनुष्य ने किया गेट एग्जामिनेशन में, जो पेपर सेट करता है। लेकिन मेरी इस थ्योरी को ध्यान रखना, हम जब तक नहीं दिया है CLTF मान के चलेंगे। ठीक है, ओके, समझ में आया सर। और मैं आपको कुछ आगे बताऊंगा, डोंट वरी। इतनी बात मेरी समझ में आ गई ना, इसका क्या करना है सर? हमें 1.32 आंसर करना है, ना कि हमें 1.28 आंसर करना है। कहीं पे 1.28 यदि आपको दिखे तो उसे आप डिलीट कर दीजिए आपके दिमाग से, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या, फॉर एंटी फीडबैक सिस्टम विद ओपन लूप, यहाँ पे मेंशन कर दिया इसने, तो ऐसे गेट एग्जामिनेशन में वो मेंशन करके चलेंगे। आजकल तो क्या है, एरर की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि पहले के टाइम पे गेट ने जो बोल दिया वही सही। इस बार तो गेट बोल देता है, उसके बाद भी उसमें एरर मिलती है, और क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन जो एरर होते हैं उनके नंबर फिर से अलॉट होते हैं। आजकल तो ये सिस्टम चलता है ना, आंसर की आउट होती है, उसके बाद क्लेम कर सकते हैं कि आपने ये गलत दिया, IIT देखता है, उनको समझ में आता है हमने तो लंका लगा दी बच्चों की, तो वो उसे ठीक करते हैं, करेक्ट करते हैं। सर हमें बात समझ में आ रही कि ओपन लूप दिया रहेगा। अब देखो द क्लोज लूप सिस्टम विल हैव डैम्पिंग रेशियो, ये मेंशन भी ना करे कि डैम्पिंग रेशियो निकालिए, तो डैम्पिंग रेशियो ऑब्वियसली बात है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का ही निकालेंगे। अरे भैया, किसी भी सिस्टम को डिफाइन उसके क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन से किया जाता है कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन? क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन से। किसी भी सिस्टम की एक इंडिविजुअल एंटिटी क्या है सर? CLTF है, तो बेस्ट सी बात है उसी CLTF का ही ना डैम्पिंग रेशियो निकालेंगे। यहां पे लिखा होता फॉर यूनिटी फीडबैक सिस्टम विद ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन या ओपन लूप गेन लिख दिया इज दिस द क्लोज लूप सिस्टम, ये क्लोज लूप सिस्टम नहीं लिखा होता, और लिखा होता द सिस्टम विल हैव द डैम्पिंग रेशियो, तो अगेन क्या करना होता आपको? क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना होता और आगे बढ़ना होता। यहां पे दिया हुआ है जी ऑफ एस गुणा एच ऑफ एस, यानी कि दिस इज नथिंग बट द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, और एच ऑफ एस की वैल्यू क्या है बेटा? 1 है। मेंशन है क्या? नहीं है। हाँ है सर, फॉर यूनिटी फीडबैक सिस्टम। ओके, सो जी ऑफ एस की वैल्यू जो है दैट इज नथिंग बट द 9 डिवाइड बाई SS+3। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूं कि कैसे आपको फीलिंग आ जाएगी कि ओपन लूप दिया है या क्लोज लूप दिया है। इस क्वेश्चन को मैं आधे मिनट में क्रॉस कर देता, खत्म कर देता, लेकिन महत्वपूर्ण चीजें बतानी पड़ेगी ना राजा। समझ गई रानी? चलो
मैं बोला इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, फॉर अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम द ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन बाय 9 डिवाइड बाय एस एस प्लस 3 द डैम्पिंग रेशियो ऑफ द सिस्टम इज। तो आप सोचते यार सर ने बोला था कि ट्रांसफर फंक्शन जब तक मेंशन नहीं कर दे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है तब तक हम बाय डिफॉल्ट क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन मानेंगे, कुछ भी ये ओपन लूप टर्म मेंशन नहीं होता, द ट्रांसफर फंक्शन मेंशन होता तो आप इसे क्या करते डायरेक्ट बोलते हैं कि सर दिस इज द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, और क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन यदि ऐसा हो जाए तो आप खुद सोचिए आपका अंदर जो दिमाग है वो बोलेगा यार सेकेंड ऑर्डर सिस्टम जो है वो तो कुछ इस टाइप का है यार, हम तो पढ़े हैं एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, और यहाँ तो ये कॉन्स्टेंट टर्म तो है ही नहीं, तो ऐसे कैसे पॉसिबल है, कैसे कंपेयर करेंगे, कैसे आगे पढ़ेंगे, तो ये तो लोचा हो गया। तो बाय डिफॉल्ट आपको फील आ जाएगा कि यार कुछ गड़बड़ है, समझ में आ गई मेरी बात है ना। तो मैंने बोला था ना एक लाइन कि आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि आपको क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है या ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है। अच्छा, अब बहुत बार क्या होगा वो लिख देगा कि द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज, लिखेगा वो फॉर अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम विद क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, और क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन लिखा रहेगा जी ऑफ एस डिवाइड बाय पूरा लिखा रहेगा। तो आप ये मत सोचिए यार जी ऑफ एस क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन कब से हो गया, अरे यार माना क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है सी ऑफ एस डिवाइड बाई आर ऑफ एस, और वही वो देगा आपको लाइक यहां दे देगा 9 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 9, ये देना चाहिए उसको यदि वो लिखेगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फॉर यूनिटी फीडबैक सिस्टम द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन सी ऑफ एस डिवाइड बाई आर ऑफ एस इक्वल टू इतना द डैम्पिंग रेशियो इज। अच्छा, लेकिन ये खुद एस का फंक्शन है ना, तो इसे कुछ भी दे सकता है, जी ऑफ एस भी लिख सकता है इसे, तो ये मत इससे कंफ्यूज मत हो जाइए कि ये तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ही दिया है, कई बार आपको सीधे क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस इक्वल टू इतना, तो जी ऑफ एस को नहीं दिखना उसने क्या बोला है ये देखना, कितनी अच्छी अच्छी बातें बता दी मैंने आपको, ध्यान रखना बेटा मैंने युद्ध के लिए तैयार कर दिया है, अब सैनिक सामने वाला किधर से भी आप पे अटैक करेगा ना आपको पता रहेगा। ठीक है सर आप इतना बोले हैं तो रख लेंगे ध्यान, उसमें कौन सी बड़ी बात है, बहुत बढ़िया बेटा शाबाश। अच्छा तो सर अब हमने इसे कर दिया है आप छोड़ सकते हो, ना 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 हम छोड़ नहीं सकते। ओके, डैम्पिंग रेशियो की बात कर रही, चलो तो इसका हम क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करते हैं बड़े आराम से। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा सर, 9 डिवाइड बाई, ये क्या हो रहा है यहाँ जी, इसको घटाइए ना, ओ कहाँ गया, सो सी एल टी एफ इज नथिंग बट 9 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 9, करने की जरूरत रहेगी क्या, आठ मत करवाओ यार क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला, यू नो वेरी वेल। अच्छा तो सर क्या करना आप, अरे भाई कुछ नहीं करना, कंपेयर करो फ्रॉम द स्टैंडर्ड इक्वेशन, सो ओमेगा एन स्क्वायर इज नथिंग बट 9, और ओमेगा एन यहां से आएगा क्या 3 और माइनस 3, सो माइनस 3 का तो कोई मतलब रहा नहीं क्योंकि फ्रीक्वेंसी कांट बी नेगेटिव, ओमेगा एन इज नथिंग बट द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, सो ओमेगा एन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, ओमेगा एन इज नथिंग बट 3 क्या रेडियन पर सेकेंड। ओके सो Now this, compare this, so 2 zeta omega n and omega n is nothing but the 3 is equal to 3, ये कर दिया आपने, 3 got cancelled, omega sorry zeta की value आ गई आपके सामने 0.5 बड़े प्यार से, so option B is the correct answer, sir बिल्कुल समझ में आ रहा है सर, आगे बढ़िए, आइए तो फिर the block diagram of a closed loop, sir सारी चीजें हम ध्यान से पढ़ेंगे, ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ क्लोज लूप सिस्टम इज शोन इन द फिगर, बहुत ही बढ़िया है सर देख लेते हैं, आर ऑफ एस है इसमें, यह है के डिवाइड बाई इतना यह आउटपुट है, और ये नेगेटिव यूनिटी फीडबैक नहीं है, अब नेगेटिव फीडबैक है बट नॉन यूनिटी फीडबैक है। ओके ठीक है, द वैल्यूज ऑफ के एंड केपी आर सच दैट, के और केपी की वैल्यू ऐसी है सच दैट द सिस्टम हैज अ डैम्पिंग रेशियो, ओ छो जी जाएगी 0.8 दे दी,
एंड अनडैम्ड नेचुरल फ्रिक्वेंसी ओमेगा एन 4 रेडियन पर सेकेंड दे दिया, दो पैरामीटर्स दे दिए और आपसे पूछा जा रहा है द वैल्यू ऑफ कैपी विल बी। अच्छा जी, ओके जी, तो यहाँ से सर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर लीजिए और आगे बढ़िए। चलो तो प्यारे बच्चे, इसका हम फाइंड करेंगे CLTF। अच्छा जी, CLTF फाइंड करेंगे, जी हाँ करेंगे, ओके। तो CLTF क्या होगा इसका सर, जी ऑफ एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस गुना एच ऑफ एस, यही तो होता है क्लोज लूप ट्रांसफर। जी ऑफ एस की वैल्यू रख दी मैंने के डिवाइड बाई एस एस प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस के एस एस प्लस 1 मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस के पी एस। समझ गए बात को, एलसीएम लेंगे और ख़त्म कर देंगे कहानी। सो के डिवाइड बाई ये और ये कट जाएगा, एस स्क्वायर प्लस एस प्लस के पी एस, ये बचेगा। अब क्या करना है सर, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर दीजिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन से जैसे ही कंपेयर करूंगा, ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू के और ओमेगा एन की वैल्यू 4 दी हुई है, तो के इज नथिंग बट 16। यहां से ये बात समझ में आ गई आपको, के 16 है, जी हाँ सर समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट टर्म एस वाला टर्म, सो 1 प्लस के पी, ये है एस का कोफिशियंट, इज इक्वल टू 2 जीटा ओमेगा एन। सो 2 जीटा ओमेगा एन, 2 जीटा की वैल्यू है 0.8 गुना किसकी वैल्यू, ओमेगा एन, सॉरी हाँ ओमेगा एन की वैल्यू है 4, बराबर ना। ओके चलिए जरा आइए ध्यान से देखते जाइए, जी हाँ सर देख रहे हैं। सो दिस इज नथिंग बट 1 प्लस के पी, इधर सिर्फ के और के पी है, इज इक्वल टू 4 × 8, 8 × 8, 64, सो 6.4। यहाँ से आपके पास के पी इज इक्वल टू आता है 5.4, ठीक है जी। K की वैल्यू क्या है, 16 है, सो यहाँ से के पी इज इक्वल टू प्यारे बच्चे 5.4/16 आता है, और कैल्सी आपके पास एग्जामिनेशन में रहेगा और उस कैल्सी से आप इसकी वैल्यू लेके आएंगे 5.4/16, तो इसकी वैल्यू रहेगी 0.3375। सो के पी इज इक्वल टू 0.3375। अब यहाँ पे बड़ा ट्विस्ट है, आपसे पूछेगा एग्जामिनेशन में द वैल्यू ऑफ के पी अप टू 2 डेसिमल इज, तो 2 डेसिमल पूछेगा, तो डेसिमल के बाद 2 नंबर्स डिसाइड करेंगे, 3, 3 ये आंसर लिखेंगे हम, ठीक है। या फिर आप जानते हैं कि 7, 5 को हटाएंगे तो दिस 3, 4 हो जाएगा सर, ये तो आपको बेसिक चीजें पता ही है, तो 0.34 कर दीजिएगा। वैसे वो खुद आंसर की जो है ना रेंज ऐसे आंसर में लिखे रहेंगे, 0.32 से 0.36 कंसिडरेबल रहेगा, है ना। तो आप ट्राई करिएगा कि एग्जैक्ट लिख के आए और इस नंबर का भी ध्यान रखें। एवरीथिंग इज क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, आपकी स्क्रीन पे है और क्वेश्चन का नंबर डालना बेहद जरूरी है। ये 80 है तो ये तो 81 नहीं होगा, 81 है ये वाला आपका, तो क्वेश्चन नंबर 81 है, इसके बाद वाला है 82, ठीक है, इसके पहले वाला 80 था, 79 था। ओके ओके पढ़ो, द यूनिटी फीडबैक सिस्टम एज अ ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, द नेचुरल फ्रिक्वेंसी विल बी। अब यहाँ पे सर इसको मेंशन करना चाहिए था कि ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, बट जहां से मैंने इस क्वेश्चन को लिया उन लोगों ने इस बात का ध्यान नहीं रखा, है ना। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन देख के फील आ गई मुझे, जी हाँ ये क्या पूछा है, इट्स नेचुरल फ्रिक्वेंसी, तो अभी क्वेश्चन जो लिया है वही है ना, हाँ वही है, वही क्वेश्चन है। तो देखो ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ऐसा लिया ना हमने, यही तो है, देखो सब कुछ मेंशन किया है ना, तो अब यहाँ जहाँ रेफरेंस से मैंने क्वेश्चन लिया उन्होंने, चलो चलने दो।
अब ऐसे केस में भी आपके टेस्ट सीरीज में आ सकते हैं, तो आपको मैंने सिखा दिया है कि इसको फील कर पाओगे आपकी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। वैसे गेट एग्जामिनेशन में आएगा तो बकायदा मेंशन करेगा द यूनिटी फीडबैक सिस्टम गिवन बाय द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ इज इक्वल टू इतना, इट्स नेचुरल फ्रिक्वेंसी विल बी। ओके, हमें नहीं दिया गया है सर, आपने फील करवाना सिखा दिया है, दिस इज नथिंग बट द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एंड दैट इज नथिंग बट 9 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 3s। कहाँ से पता चला? इससे पता चला, ठीक है। ओके, तो आप इसका सी एल टी एफ निकालेंगे और सी एल टी एफ प्यारे बच्चों आ जाएगा 9 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 9, और यहाँ से ओमेगा एन की वैल्यू आ जाएगी 3 रेडियन पर सेकेंड, तो इसकी वैल्यू आ गई 3। या ऐसे कर देता हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है, ऑल क्लियर, गुड। लेट्स कम टू द अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। अ सिस्टम इज रिक्वायर्ड टू हैव अ पीक ओवरशूट ऑफ 4.32% एंड अ नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ 5 रेडियन पर सेकेंड, द रिक्वायर्ड लोकेशन ऑफ द डोमिनेंट पोल इज। अच्छा, वाह, ये तो बड़ी मजे की बात है। अ सिस्टम इज रिक्वायर्ड टू हैव अ पीक ओवरशूट इज इक्वल टू 4.32%। अच्छा, पीक ओवरशूट इज इक्वल टू, इंफॉर्मेशन क्या क्या है, 4.32 इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस जीटा पाई डिवाइड बाई 1 माइनस जीटा स्क्वायर गुणा 100, ये दिया हुआ है सब, पहली इंफॉर्मेशन। एंड नेचुरल फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है, यानी कि ओमेगा एन दिया हुआ है 5 रेडियन पर सेकेंड, टू इंफॉर्मेशन आर गिवन, द रिक्वायर्ड लोकेशन ऑफ द डोमिनेंट पोल इज। अच्छा सर, बड़ी ट्विस्टिंग कहानी हो गई। जी हाँ, हो गई। देखो, हमने देखा कि जब सेकेंड ऑर्डर सिस्टम देखा था, जनरल फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ मैं, के गुणा ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। यदि हम इसके रूट्स फाइंड करते हैं तो वो क्या आएंगे, माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर, यही आए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी हाँ, यही आए थे सर। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, ये होगा माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ये नियर टू द ओरिजिन रूट रहेगा, और एक और रूट कौन सा है, माइनस जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर, एंड यस ऑफ कोर्स जे भी है यहाँ पे। तो ये है नॉन डोमिनेंट या इनसिग्निफिकेंट, और ये है डोमिनेंट पोल, तो उसने बोला है द लोकेशन ऑफ द डोमिनेंट पोल इज। अच्छा, तो डोमिनेंट पोल का ये जो पॉइंट है दैट इज इक्वल टू माइनस जीटा ओमेगा एन, और ये जो पॉइंट है दैट इज इक्वल टू ओमेगा एन मल्टीप्लाई विद 1 माइनस दिस। तो यदि आपके पास ओमेगा एन, तो यदि आपके पास जीटा आ जाए तो आप लोकेशन फाइंड आराम से कर सकते हैं। तो जीटा फाइंड करने के लिए आपके पास क्या है, ये है फॉर्मूला। तो अब यहां से तुरंत केसी से जीटा फाइंड करता हूं मैं, तो कैसे करेंगे, सिंपल सी कहानी है, मैं थोड़ा सा सजा देता हूँ डायरेक्ट करने की बजाय। सो दिस इज नथिंग बट 0.0432 इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस जीटा पाई 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ठीक है, दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लेंगे। सो ln 0.0432 इज इक्वल टू, यहाँ पे जब ln लोगे तो ये बचेगा माइनस जीटा पाई 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आ रही है माइनस पाई इज इक्वल टू माइनस जीटा पाई डिवाइड बाय 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ये पाई पाई गोट कैंसल, यहाँ पे बचता है 1 माइनस जीटा स्क्वायर इज इक्वल टू जीटा स्क्वायर, दोनों साइड ले लीजिए, सो 1 माइनस जीटा स्क्वायर इज इक्वल टू जीटा स्क्वायर, और यहाँ से 1 इज इक्वल टू 2 जीटा स्क्वायर आ जाएगा, राइट।
सो जीटा स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 0.5, ठीक है, जीटा स्क्वायर की वैल्यू है 0.5. सो आपका जीटा यहां से आ रहा है 0.707, ये जीटा की वैल्यू है. ओहो, अब तो बड़ा मजा आ जाएगा सर. वंस आई गोट जीटा वैल्यू, सो दिस इज नथिंग बट 0.707 मल्टीप्लाई विथ 5 है ना हमारा. हाँ, 5 का जैसे ही मल्टीप्लाई से करोगे आपका ये फैक्टर आ जाएगा 3.53 आ रहा है, और 3.53 यहाँ भी है और यहाँ भी है, और माइनस साइन तो है ही दोनों का. सो अब डिसाइड करेगा ये ओमेगा एन की वैल्यू कितनी है बेटा, 5 × 1 माइनस जीटा स्क्वायर. सो जीटा स्क्वायर की वैल्यू 0.5 है. सो ये हो गया आपका 0.5, ठीक. तो 5 × 0.5 यानी कि वो भी क्या हो जाएगा आपका, यही 3.53. सो माइनस 3.53 प्लस जे 3.53, दिस इज द रूट. सो 3.53 डी, ये वाला आंसर हो गया. आया मजा? तो क्या सीखा सर? कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना तो चुटकियों में चीजें होती है, ये सीखा. अगली क्लास में मिलेंगे अगले क्वेश्चंस के साथ.